स्वागत है आपका मेरे जयपुर सीरीज के सेकेंड और फाइनल एपिसोड में, जिसमें मैं आपको वर्चुअल टूर कराऊंगा जयपुर की बहुत ही फेमस और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, जिसमें होंगे आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और भी कई सारी जगहों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप भी जयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे जयपुर सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वक्त आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो है जयपुर का जल महल। जयपुर में हमारा सेकेंड डे था और हम अर्ली मॉर्निंग आमेर फोर्ट के लिए निकले। आमेर फोर्ट के रास्ते में बीच में आता है ये जल महल, तो आप जब भी आमेर फोर्ट जा रहे हो तो ये जल महल ज़रूर विज़िट करके जाएं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सनराइज़ हो गया था और यहाँ का जो व्यू आ रहा था इस टाइम पे वो बहुत ही अमेजिंग था। हमने आधा घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर हम आगे आमेर फोर्ट के लिए निकले। आमेर फोर्ट का जो डिस्टेंस था जल महल से वो सिर्फ 5 किलोमीटर था, और जयपुर सिटी से जो आमेर फोर्ट का डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। एक पॉइंट आया जब हम आमेर फोर्ट पहुंच गए, एक पॉइंट आया जहां से आमेर फोर्ट का फ्रंट व्यू दिख रहा था और बहुत अमेजिंग था। तो आप जब भी आएँ यहां पे रुकें, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएं और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आमेर फोर्ट में ना दो एंट्री गेट है, एक तो मेन एंट्री गेट है और एक पीछे का रास्ता भी है जहाँ से एंट्री होती है। तो अगर आप मेन एंट्री से जाना चाहते हैं सामने वाले रास्ते से तो आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। दो ऑप्शन और हैं सामने के रास्ते से जाने के लिए, या तो आप हाथी की सवारी ले सकते हैं या फिर आप जीप के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के चार्जेस क्या हैं वो मैंने पता नहीं किए थे तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप खुद की व्हीकल से आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि आप पीछे वाले रास्ते से आएँ, बहुत ही पास में है, बस हल्का सा आगे जाएंगे और एक लेफ्ट में रास्ता कटता है और आप ऊपर तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। किसी भी लोकल से पूछेंगे तो आपको बता देंगे और पार्किंग फीस भी सिर्फ 10 रुपये। आमेर फोर्ट के एंट्री गेट पे ये काफ़ी अच्छी सारंगी बजा रहे थे, हमने इनका म्यूज़िक 10-15 मिनट इन्जॉय करा और फिर हम आगे बढ़े। और ये बैक साइड है आमेर फोर्ट का, तो ये जो व्यू है काफ़ी अच्छा था, आप भी इसको इन्जॉय करें। आमेर फोर्ट की टिकट प्राइस है 100 रुपये इंडियंस के लिए और फॉरनर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है, और 7 साल तक के बच्चों के लिए फ्री था। आमेर फोर्ट में जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको शिला माता का मंदिर देखने को मिलेगा, तो आप ये मंदिर विजिट कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अंदर से मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकता। आमेर फोर्ट जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। अभी जो आप देख रहे हैं यह है दीवाने आम। तो धीरे धीरे हमने इस महल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा और यह है आमेर फोर्ट का फ्रंट व्यू, जो बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आ रहा है। और दूर में आप जो रास्ता देख रहे हैं, इनिशियली हम इसी रास्ते से आए थे आमेर फोर्ट आने के लिए, और ये मेन एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे हाथी आता हुआ दिख रहा है वही है रास्ता मेन एंट्रेंस का। तो अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए हाथी की सवारी से आ सकते हैं या फिर जीप के थ्रू भी आ सकते हैं। आमेर फोर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी होती रहती है, तो हम जब आए थे तो भी हो रही थी, लेकिन इसके जो चार्जेस हैं वो अलग हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है शीश महल, जिसे मिरर पैलेस भी कहते हैं।
अमेजिंग आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं इस पे जो कारीगरी की गई है वो प्रीशियस स्टोन्स और ग्लासेस से की गई है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अपने आप में ही ये अद्भुत है। इसके अंदर जाना, अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन जो बाहर की तरफ जो जो दीवारें हैं उन पे जो डिज़ाइन किया गया और आर्ट वर्क किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। शीश महल के बिल्कुल सामने एक गार्डन भी है जो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। हालांकि इस गार्डन के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो आप जब भी आमेर फोर्ट आएँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे पैसेजेस बनाए गए हैं जिससे आप इस फोर्ट के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में विजिट कर सकते हैं। हर फ्लोर में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी। यहाँ पर आपको एक दूरबीन भी देखने को मिलेगी जिसके थ्रू आप देख सकते हैं और जैगर्ड फोर्ट का क्लियर विजन ले सकते हैं। कुछ टिकट प्राइस है इसमें देखने के लिए, जो सिर्फ 20 या 30 रुपये देकर सिर्फ आपको जैगर्ड फोर्ट क्लियरली दिख जाएगा। और यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं जिनको झरोखे कहते हैं, तो उस टाइम की राजघराने की जो महिलाएं हुआ करती थी वो इन झरोखों के थ्रू देखा करती थी, नीचे जो भी फंक्शन हुआ करते थे उनको देखा करती थी। तो ये जो फोर्ट है काफ़ी बड़ा फोर्ट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो आप जब भी यहाँ पर विज़िट करें, इस आमेर फोर्ट में विज़िट करें, तो अपने साथ बहुत सारा टाइम लेकर आएँ, क्योंकि एक घंटे में ये फोर्ट बिल्कुल भी नहीं घूम सकते। हमें आधा दिन लग गया ये फोर्ट घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिर भी रह गई। अगर आपको इस फोर्ट में घूमने के साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी जाननी है अच्छे से, तो जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से आपको गाइड मिल जाएंगे जो कुछ चार्जेस लेंगे, लेकिन आपको इस फोर्ट को अच्छे से घुमाने के साथ साथ यहाँ की हिस्ट्री भी बता देंगे। आपको यहाँ पर ऐसी कढ़ाई भी देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी कढ़ाई है ये उस ज़माने की, राजा महाराजाओं के लिए इन कढ़ाइयों में खाना बना करता होगा। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उस मूवी में एक सीन में ऐश्वर्या राय इन्हीं कढ़ाइयों में खाना बना रही होती हैं। बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आमेर फोर्ट में घूमने के लिए। एक सुरंग भी है जिसका रास्ता जो है जैगर फोर्ट में जाकर मिलता है। ये सुरंग बंद है, इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे है, आर्ट गैलरी है। तो आप अच्छे से इस फोर्ट को घूमें। हमने भी 3 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, फिर हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकले। लेकिन इतनी देर घूमने के बाद, पैदल चलने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो आमेर फोर्ट से निकलने के बाद हमें कई सारी लोकल फूड की शॉप दिखी और स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिले, तो हमने वो सारी चीज़ें ट्राई करी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी थे वो। तो यहाँ का खाना इंजॉय करने के बाद हम निकले जैगर फोर्ट के लिए। जैगर फोर्ट का जो डिस्टेंस था आमेर फोर्ट से वो सिर्फ 7 किलोमीटर का है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, रोड्स खाली रहती हैं चारों ओर, आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर आप निकल रहे हैं। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं जैगर फोर्ट। यहाँ की जो एंट्री फीस थी वो थी 150 रुपये। अगर आप अपनी व्हीकल जैगर फोर्ट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क दें, क्योंकि अगर आप अंदर लेकर जाएंगे तो ज़्यादा दूर तक आपको गाड़ी ले जाने को नहीं मिलेगी। आप थोड़ी दूर तक ही गाड़ी ले जाएंगे जैगर फोर्ट के अंदर, फिर आपको वहाँ पे भी जाकर पार्किंग एरिया में पार्क करनी पड़ेगी। तो आप इस किले को पैदल ही एक्सप्लोर करें, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैगर फोर्ट बना है अरावली हिल के ऊपर, और जिस पहाड़ी के ऊपर बना है उसको कहते हैं चील का टीला या फिर हिल ऑफ ईगल्स। इसकी जो लंबाई है इस फोर्ट की वो है 3 किलोमीटर और जो विड्थ है इसकी वो है 1 किलोमीटर। इस किले में काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मेहंदी के बालाजी का मंदिर भी है, तो आप इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं।
जैगर फोर्ट एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ की जैवान तोप के लिए, जो उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप थी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया है, वो भी इसके परीक्षण के टाइम पे, और उसके बाद इसको चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो किला है ये ऐसी सूझबूझ के साथ बनाया गया है कि इसको कोई भी जीत नहीं पाया है, इसलिए इसको विक्ट्री फोर्ट भी कहते हैं। और यहाँ से जो व्यू आता है अरावली हिल्स का, वो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। जैगर फोर्ट को बनाया गया था आमेर फोर्ट और वहाँ के पैलेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैगर फोर्ट और आमेर फोर्ट आपस में कनेक्टेड हैं सबटेरेनियन पैसेजेस के थ्रू और कंसीडर किए जाते हैं एज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स। तो आप जब भी जैगर फोर्ट आएँ, अपने साथ 2-3 घंटे का टाइम ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा किला है ये, आपको इतना टाइम तो लग ही जाएगा। हमने भी यहाँ 2-3 घंटे बढ़िया स्पेंड किए, पूरा किला एक्सप्लोर किया। हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है नाहरगढ़ फोर्ट का, वो हम अगले दिन घूमेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम निकले नाहरगढ़ फोर्ट के लिए सेम रूट से, जिस तरफ जैगर फोर्ट और आमेर फोर्ट पड़ते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो जयपुर सिटी के साइड से और एक जिस तरफ जैगर फोर्ट है उस तरफ से। हमने दूसरा रास्ता चुना जिस तरफ जैगर फोर्ट है, क्योंकि यहाँ से अमेजिंग व्यू देखने को मिलते हैं अरावली रेंजेस और पहाड़ों के। ये रूट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ से अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो आपको लोग यहाँ पर साइकिलिंग और जॉगिंग करते हुए दिख जाएंगे। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप पहले रूट से जा रहे हैं जो सिटी की तरफ से है, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर व्हीकल से जा रहे हैं, क्योंकि कच्चा रास्ता है। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो फिर वो आप रूट फॉलो कर सकते हैं। फाइनली हम नाहरगढ़ फोर्ट पहुँचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद था, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो 10 से 5 बजे तक की है, और हम यहाँ पर 7:30 से 8 बजे के बीच में पहुंच गए। एक दो लोग और आए थे घूमने, तो उनको भी वापस जाना पड़ा, लेकिन हम जब आ गए थे यहाँ पर, तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा आसपास की जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये सिचुएटेड है फोर्ट। काफ़ी शांति थी यहाँ पर, और सुबह सुबह हम आए थे तो ठंडी हवा चल रही थी, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये नाहरगढ़ फोर्ट है बाहर की तरफ से, यहाँ पर आप सनसेट सनराइज एंजॉय कर सकते हैं, मंदिर भी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। नाहरगढ़ किले के बाहर एक बावड़ी भी है, जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस। रंग दे बसंती का एक गाना है अपनी तो पाठशाला, उसकी शूटिंग इस जगह पर हुई थी। नाहरगढ़ किले से आपको पूरी जयपुर सिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और जो इस पहले रूट की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हो जहाँ से गाड़ी जा रही है, वो काफ़ी पतला सा रूट है और काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। और अगर आपको ट्रैक पसंद है तो आप इस रूट से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर खुद की व्हीकल से आ रहे हैं और आप यहाँ के लोकल नहीं है, ज़्यादा चलाने का आपको आइडिया नहीं है, तो ये रूट आप अवॉइड करें। तो नाहरगढ़ किले के बाहर हमने 1/2 घंटे का टाइम स्पेंड किया, और फिर हम वापस सेम रूट से निकले जयपुर सिटी के लिए। बीच में एक मंदिर आता है चरण मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस मंदिर को विज़िट करेंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे, और फिर हम वापस जयपुर सिटी जाएंगे। चरण मंदिर की बहुत मान्यता है, और इस मंदिर का नाम चरण मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं, जिसकी पूजा होती है। किसी किले की शेप में बनाया गया ये मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सुबह सुबह हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शांति थी, तो हमने ये मंदिर अंदर से विज़िट किया, भगवान के दर्शन करे, पंडित जी से काफ़ी सारी बातें इस मंदिर के बारे में सुनी, और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर।
तो आप जब भी जयपुर आते हैं इस मंदिर में ज़रूर आएं, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते में ही आता है ये मंदिर, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और फाइनली हम जयपुर सिटी की तरफ निकल गए। तो ये था मेरा फाइनल एपिसोड जयपुर सीरीज़ का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक और नए सफ़र पर लेकर चलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।